हेलो एंड वेलकम टू इस्तेमास क्लासेस वंस अगेन। अब हम लोग गुड्स रिपोजिशन के ऊपर सम्स करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से कोई अगर परचेजर बायर एसेट का जो बायर है वो इंस्टॉलमेंट में गुड्स तो लिया लेकिन उसका पेमेंट वो नहीं कर पाया और पेमेंट नहीं करने के वजह से उसको उसके गुड्स को किस तरीके से रिपोजिस्ट कर दिया गया। पहले हम लोग सिंगल एसेट के बारे में करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीपल एसेट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सिंगल एसेट के ऊपर जो हमारे स्टडी मटेरियल से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें क्या लिखा है ये देखिए कि लकी लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन 1/1/2001। लकी लिमिटेड 1/1/2001 को एक मशीन खरीदता है ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम हैप्पी लिमिटेड। कहां से खरीदता है? हैप्पी लिमिटेड से खरीदता है। तो देखिए यहां पे दोनों ही माने रखता है। तो यहां परचेज अ मशीन, एक मशीन खरीदा मतलब एक मशीन वाला सम्स है और एक मशीन वाला सम्स आने का चांसेस नहीं है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो मल्टीपल क्वेश्चन आता है, मतलब मल्टीपल मशीन वाला क्वेश्चन आता है। मान लो 5 मशीन 6 मशीन खरीदा गया है, उसमें से वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है तो 2 मशीन रिपोजिस्ड हो गया है और रिपोजिशन के बाद बाकी का मशीन रह जाएगा, 2 मशीन लेकर जाएगा। ये भी सम्स हम लोग आज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग सिंपल रिपोजिशन के ऊपर सम्स करेंगे जिसमें एक ही मशीन होगा। जिस ये सम्स में एक ही मशीन है, लकी लिमिटेड खरीद रहा है हैप्पी लिमिटेड से, द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज 14892। कैश प्राइस इतना रुपया है और 4000 रुपया एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी एंड द बैलेंस बाई 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 4000 ईच टू बी पेड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इंस्टॉलमेंट 4000 का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। द परचेजर रोट ऑफ डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। जो परचेजर है बायर है वो किस रेट के हिसाब से डिप्रिसिएशन कर रहा है? 10%। इसका मतलब डिप्रिसिएशन दोनों का अलग अलग रेट होता है। परचेजर बायर का अलग रेट होता है और जो सेलर होता है उसका अलग रेट होता है। इस सम्स में सिर्फ परचेजर का रेट है, बायर का कोई सिर्फ बायर का रेट है, सेलर का कोई रेट नहीं है। अगर नहीं है तो हम मान लेंगे कि मेरा जो रेट है मतलब परचेजर का जो रेट है सेलर का भी सेम रेट है। तो ये बहुत सिंपल सम्स है। अगर इसी सम्स में ऐसा होता कि परचेजर का रेट अलग होता बायर का रेट अलग होता तो उस वक्त कंडीशन कुछ और होता। वो दोनों ही कंडीशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे पास कंडीशन है कि परचेजर का ही जो बायर है मशीन का जो डिफॉल्टर है वो मशीन को 10% के हिसाब से डेप्रिसिएट करता है। ठीक है, लकी लिमिटेड फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2002। लकी लिमिटेड यहां पूरे तरीके से फेल हो गया वो अपना इंस्टॉलमेंट पे करने पे, एंड हैप्पी लिमिटेड टुक पोजीशन ऑफ द मशीन। मशीन का पोजीशन वो ले लिया। कौन ले लिया? हैप्पी लिमिटेड। तो शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लकी लिमिटेड एंड हैप्पी लिमिटेड। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हम लोग वर्किंग नोट नहीं करके डायरेक्टली यहाँ पे सम्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इजी तरीके से आप चाहो तो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी हम लोग डायरेक्ट अकाउंट में भी कर सकते हैं क्योंकि कैश डाउन पेमेंट भी हमारे पास है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी हमारे पास है, इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास है, सब कुछ गिवेन है। तो हम लोग बस लाइन बाय लाइन अकाउंट में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है और लकी लिमिटेड फेल्ड टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन, कौन सा इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया, कौन सा इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया? 31/12/2002 वाला इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब 1/1/2001 का जो एक 1/1/2001 को खरीदा पहला इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2001 को दे दिया होगा, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट फेल कर गया, एक ही इंस्टॉलमेंट वो दे पा रहा है। तो हम लोग यहां पे अकाउंट बना लेते हैं। एक तो हमारा बनेगा मशीनरी अकाउंट, एक तरफ डेबिट और दूसरे तरफ क्रेडिट, और एक बनेगा जो वेंडर है, वेंडर का नाम क्या है? हैप्पी लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले पहला साल 1/1/2001 को टू हैप्पी लिमिटेड, हैप्पी लिमिटेड से कितना का खरीदे हैं भाई?
बोलो, हैप्पी लिमिटेड से हमने कितना का खरीदा है? हमने खरीदा है हैप्पी लिमिटेड से कैश प्राइस में 14,892। खरीद लिया, मशीन आ गया हमारे पास, कैश प्राइस में आ गया, हैप्पी लिमिटेड के अकाउंट में जाएगा 11। क्या बोलकर लिखेंगे? बाई मशीनरी अकाउंट 14892। इसको बाद में देख लेंगे, पहले मशीनरी अकाउंट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पहला डिप्रिसिएशन आप कब कब लिखोगे? 31/12/2001। रेट क्या है? 10% है, डिमिनिशिंग बैलेंस है। तो डिप्रिसिएशन 10% कितना होगा बोलो? 1489। बैलेंस कितना रह जाएगा? 1, कितना 1, 3, 4, 3. हो गया। इस सीडी को बीडी कर दीजिए, 1102 बैलेंस बीडी, 1, 3, 4, 0, 3 हो गया। ये तो सीडी को हमने क्या कर दिया? बीडी। अब ये 2002 आ गया, 2002 में हमने हमें हमको बोला है 31/12/2002 को वो ले गया, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया होगा। तो पहले हम लोग उस वक्त तक मशीन तो चला होगा, 2002 मशीन चला होगा तो डिप्रिसिएशन भी आना चाहिए। डिमिनिजिंग बैलेंस मेथड है हमारा, इसके ऊपर आप 10% निकालो, 1, 3, 4, 0 डिप्रिसिएशन निकाल कर रखो, निकाल कर रखो अभी, इतना बस, इतना दूर छोड़ दो। अब हम लोग हैप्पी लिमिटेड में आते हैं। हैप्पी लिमिटेड में 2001 में पहले डाउन पेमेंट किया गया टू कैश, कितना का डाउन पेमेंट है? 4,000 का डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट देने के बाद जो पैसा बच गया होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा कितने परसेंट के हिसाब से? 5%। 5% by interest तो कितना है? 14,892 से माइनस कर दो 4,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बाकी के ऊपर कितना परसेंट? 5%। 5, 4, 5 तो ये इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट लगा। अब हम लोग फर्स्ट डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, जो कि होगा 31/12/2001 को। लिखेंगे टू कैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का है? 4,000 का इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट दे दिया हमने, जो बचा वो टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस है? 94। अब हम आ गए 1/1/2002, साल 2002 में ये बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, बाय बैलेंस बीडी 74। हमने ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस कर दिया ना। अब आप बताइए, सीडी से बीडी हो गया, अब फिर से इस साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा? 31/12/2002 को बाय इंटरेस्ट, तो मेरा जो बैलेंस है 7437, इसके ऊपर कितना परसेंट चार्ज होगा? 5%। 372 इंटरेस्ट हो गया चार्ज। हमें 31/12/2002 को क्या पेमेंट करना चाहिए था? इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना चाहिए था, तो हम लोग इंस्टॉलमेंट क्या पेमेंट कर पा रहे हैं? फेल हो गए, फेल हो गए। तो हैप्पी लिमिटेड का अकाउंट अब कैंसिल करना है, क्यों? क्योंकि वो मेरा मशीन ले जा रहा है, तो उसका ड्यू कितना था? देखो ना, ये ऐड करोगे ड्यू होगा, इसी अमाउंट पे वो मेरा मशीन को लेकर चला जाएगा। हाँ, उसने अगर अपना वैल्यू बनाया होगा, उसने अपना डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, उसका डिप्रिसिएशन हमारे डिप्रिसिएशन से हायर रेट होगा,
तो वो डिप्रिशिएट करेगा, और कम वैल्यू पे अगर लेगा, जिस वैल्यू पे लेगा वो वैल्यू पे ट्रक होगा और लेकर चला जाएगा, और बाकी का हमारा लॉस ऑन रिपोजिशन रहेगा। क्या होगा? लॉस ऑन रिपोजिशन रहेगा। तो खैर यहाँ पे हम लोग वो बाद में बात करेंगे, यहाँ कंडीशन वैसा नहीं है, इसके बाद वाले सम्स में हम लोग करने वाले हैं वैसा, ठीक है। तो अभी हमारा सिंपली अभी उसका बनता कितना है, मतलब हमें पे कितना करना था, 7,80 हमें इतना पे करना था, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी वैल्यू पे वो मेरा ट्रक को या मेरा मशीन को लेकर चला जाएगा। तो अगर लेकर चला जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, यहां पे लिखेंगे रिपोजेस्ड, सही है ना, रिपोजेस्ड हो गया, ये रिपोजेस्ड हो गया। तो मशीनरी अकाउंट में जब ट्रांसफर होगा तो यहां पे इसी वैल्यू पे रिपोजेस्ड होगा, मतलब उसका कोई वैल्यू, उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो भी इस वैल्यू पे एग्री कर रहा है। अगर वो जिस वैल्यू पे एग्री करता तो वो यहां पे दिखाया जाता। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय हैप्पी लिमिटेड, रिपोजेस्ड हो गया। अब रिपोजिशन पे आप ये बताइए ना, 13,403 का था, 1,340 आप डिप्रिसिएशन माइनस करो, बचा कितना, बोलो कितना बचा, 13,403 से 1,340 आप माइनस कर दो, बचा कितना, 12,063। मेरे हिसाब से मेरा मशीन का वैल्यू इतना था, लेकिन मेरा वेंडर इस वैल्यू पे मानेगा, उसका जितना निकल रहा है वो इस वैल्यू पे मान रहा है, इस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर रहा है इसको, मशीन को। तो आप बताओ कि मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस। तो लॉस ऑन रिपोजिशन कहां जाएगा, पीएल में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस डैश देके लॉस ऑन रिपोजिशन, लॉस ऑन रिपोजिशन कितना आया, 4,254। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल रिपोजिशन वाला ये सम्स था, इसमें एकदम इजी है, कुछ खास बात इसमें नहीं है, बस आपको यहां ध्यान दो ना, डिप्रिसिएशन हुआ, हैप्पी लिमिटेड कितना में रिपोजिस करेगा, हैप्पी लिमिटेड के अकाउंट में जाएंगे कि उसका निकल कितना रहा है, वो हमसे मांग कितना रहा है, वो हमसे मांग रहा है 7,809, कितना मांग रहा है, तो इसका मतलब वो बोलेगा भाई ते पैसा दे नहीं तो मशीन दे दे, तो हमने मशीन दे दिया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने दे दिया मशीन इसी वैल्यू पे उसको दे दिया तो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, क्या बोल के लिखे बाय हैप्पी लिमिटेड। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो हमने पाया कि हमारा लॉस हो गया। ये सिंगल मशीन वाला सम था, कम चांस है इस तरह का सम पूछने का। अब जो हम सम्स बताने वाले हैं इसका समझ जाओ कि बहुत ज्यादा चांसेस रहता है इस तरह का सम्स पूछेगा। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको आप जल्द से जल्द कॉपी करो, अब इसके बाद हम लोग दूसरा सम्स करेंगे। अब सुनिए इधर, आपको सबसे पहले क्वेश्चन अच्छा से समझना है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा दो सम्स हम लोग करने वाले हैं आज। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक सम्स में हार्डली 15 मिनट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सिलीगुड़ी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेस फ्रॉम हावड़ा मोटर लिमिटेड 3 ट्रक्स कॉस्टिंग 75,000 रुपया ईच ऑन द हायर परचेस सिस्टम, 3 ट्रक खरीदा, प्रत्येक ट्रक का कितना है 75,000 रुपया, पेमेंट वॉज टू बी मेड 45,000, डाउन पेमेंट 45,000 रुपया है, एंड रिमाइंडर वॉज पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो बच गया वो 3 इंस्टॉलमेंट टूगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 9%, उसके साथ 9% का इंटरेस्ट ले लेना है जो बच गया। तो जो बच गया कैश प्राइस बच गया, तो जो कैश प्राइस बच गया वो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा, 3 से डिवाइड कर देना पर इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा, उसके साथ इंटरेस्ट जो है अमाउंट उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड करके हम लोगों को डालना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर सिलीगुड़ी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। क्या रेट है डेप्रिसिएशन का सिलीगुड़ी, मतलब जो बायर है वो 20% रेट चार्ज करता है, इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला साल का इंस्टॉलमेंट ये दे दे रहा है, बट
could not pay the next. लेकिन दूसरा वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दे पा रहा है. Hence the truck was seized by the vendor. वेंडर ने ट्रक को ले लिया. But after negotiation हुआ, सिलीगुड़ी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वॉज अलाउड टू रिटेन वन ट्रक. सिलीगुड़ी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड मतलब बायर को यह अलाउ किया गया कि वो एक ट्रक रख लेगा ऑन द कंडीशन दैट द वैल्यू ऑफ अदर टू ट्रक्स वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू. जो अमाउंट बाकी है उसके साथ एडजस्ट किया जाएगा अमाउंट. एडजस्टमेंट कैसा होगा हम अकाउंट में सीखेंगे. दीज टू ट्रक्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली. इसका वैल्यूएशन रखा गया 30%. वैल्यूएशन कौन रखेगा, वैल्यूएशन कौन करेगा, बायर या सेलर? ऑफकोर्स सेलर. जो वो उसको हक बनता है कि वो किस वैल्यू पे वो कर रखेगा. तो हम लोगों को मानना पड़ेगा हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, सेलर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% है. तो हम लोग दोनों के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल के देखेंगे कि मेरा वैल्यू अभी कितना बता रहा है और सेलर क्यों. दोनों का नोट में करना होगा, इसलिए करना होगा कि हम लोग तो अकाउंट में तो 3 ट्रक का बनाएंगे लेकिन यहां रिपोजेस्ट कितना ट्रक हो रहा है, 2 ट्रक. इसीलिए हम लोगों को अलग से नोट बनाना होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सम्स ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सम्स है. मेरे ख्याल से 15 मिनट भी नहीं लगेगा. देख लो, दो अकाउंट हम बनाते हैं, छोटा छोटा सम्स है, प्यारे प्यारे दो 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 अकाउंट्स बनेंगे. एक एक तो अकाउंट है वो कौन सा, ट्रक अकाउंट. क्या रहेगा, अच्छा ऊपर आप लिखते हो ना ये इन द बुक्स ऑफ सिलीगुड़ी. एक ट्रक अकाउंट, दूसरा वेंडर का नाम क्या है, हावड़ा मोटर्स लिमिटेड. ट्रक को हमने खरीदा, 3 ट्रक खरीदे, एक ट्रक 75,000 का है. डेट क्या है, डेट नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर. टू हावड़ा लिमिटेड, हम लोग ने ट्रक खरीदा हावड़ा लिमिटेड के नाम से. 3 ट्रक खरीदा है, एक ट्रक का दाम कितना है, 75,000. 3 ट्रक का कितना हो गया, 2,25,000. क्लियर, हावड़ा लिमिटेड में फर्स्ट ईयर बाय ट्रक लिमिटेड. अब बार बार ये देखा है क्या, तो क्यों देखा है ये बिना मतलब का, टाइम वेस्ट हो गया. चलो ये 2,25,000 रुपया हो गया, ये हम लोगों ने खरीद लिया. अब हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे ट्रक का. तो डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे टू कैश डाउन पेमेंट. कितना, 45,000 ईच एंड मेड 45,000 डाउन. अरे भाई 45,000 डाउन पेमेंट कर रहा है, तो 2,25,000 से 45 गया, बचा 1,80,000. 1,80,000 का अब इंस्टॉलमेंट बनेगा. अब बेहतर है हमारे लिए कि हम लोग वर्किंग ऑर्डर में चलते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट. थोड़ा सा खूबसूरत राइटिंग है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा राइटिंग के साथ. बहुत खूबसूरत. कैश प्राइस कितना है, हाँ हाँ 2,25,000 का. एड डाउन कितना कर रहे हैं हम लोग, डाउन पेमेंट 45,000. लेस करोगे 1,00,000,
80,000 आ जाएगा। अब तो डाउन कर दिया, अब एक साल का इंटरेस्ट लगेगा। एक साल का इंटरेस्ट जो होगा एड इंटरेस्ट, 1,80,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट? 9%। तो 196,200 लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट आप करोगे तो पहला इंस्टॉलमेंट आप तो निकाल सकते हो ना, हमें बोला है ना बैलेंस जो बच गया। अरे 2,25,000 कैश प्राइस है, 45 डाउन किया, जो बैलेंस बच गया वो तीन हिस्सों में बटेगा। ये जो है ना तीन हिस्सों में बटेगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस के हिसाब से 60,000 है टूगेदर विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 16,200 रुपया, इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना का होगा? 60,000 रुपया रहेगा प्लस 16,200 इंटरेस्ट के साथ। तो पहला इंस्टॉलमेंट हो गया 76,200, लेस कर दो, बच गया कितना? सीधी सी बात है, दो इंस्टॉलमेंट बच गया, 1,20,000। इसके बाद वो इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं पाया, इसके बाद वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं नेक्स्ट ईयर का, एड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है? 1,20,000 के ऊपर कितना परसेंट? 9%, 10,800। बस इतना दूर तक निकाल कर छोड़ देना है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं वैल्यूएशन के बारे में, वैल्यूएशन थोड़ी देर में निकालते हैं, पहले हम लोग अकाउंट इतना दूर तक कंप्लीट करते हैं। पहला साल हमने खुशी खुशी 3 ट्रक खरीदा, हमने फर्स्ट ईयर के एंड में आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन निकालोगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? 2,25,000 के ऊपर कितना परसेंट है भैया? रेट क्या है? रेट है डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, बायर बोलता है 20% है, बोलो 45,000 प्रथम वर्ष में डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस बच गया मशीन का कितना बच गया? 1,80,000, वही तो हम भी बोल रहे थे, सीडी करके बीडी गबल सेकेंड ईयर। यहां बोला गया पहला इंस्टॉलमेंट हमने पे किया, लेकिन उसके बाद का इंस्टॉलमेंट, इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। पहला साल का इंस्टॉलमेंट उसने दिया, लेकिन दूसरे वाले साल का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। किसको क्या पता था दूसरे साल में क्या होगा? लेकिन दूसरा साल में पहले इंटरेस्ट तो चार्ज होगा। टू बैलेंस बीडी, पहले बैलेंस बीडी होगा कितना? 1,80,000 रुपया। अब इस साल पहले हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सभी मशीन्स के ऊपर, तो 1,80,000 के ऊपर डिमिनिजिंग बैलेंस है क्या? जी, कितना हो गया? बस रुक जाइए, सेकेंड ईयर में अब होता क्या है? सेकेंड ईयर में अब क्या होगा? हमने सभी मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इस डेट में लास्ट डेट में आकर क्या हो रहा है? मशीन ले जा रहा है, ट्रक ले जा रहा है, दो ट्रक ले जा रहा है। तो ऑलरेडी हमने डेप्रिसिएशन सभी ट्रक के ऊपर चार्ज कर दिया, तीनों ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। हम लोग मोटर को भी यहां तक लाते हैं, डाउन पेमेंट हो गया पहला साल। अब पहला साल के एंड में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा टू कैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा ना, पहला इंस्टॉलमेंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है? 60 नहीं है, अरे देखिए ना पहला इंस्टॉलमेंट कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हम लोग कर रहे हैं 76,200 इंटरेस्ट लेकर है ना। तो पहले हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, तो इस साल का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट 16,200 का इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट इतना का था, तो इंस्टॉलमेंट कितना हुआ भैया? 76,200। तो बैलेंस कितना रह गया? 1,20,000। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे साल में, 1,20,000 कैसे? हाँ हाँ ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे साल में, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में चलते हैं, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है? 1,20,000 का बैलेंस है,
अब इस साल फिर से इंटरेस्ट चार्ज होगा बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट होगा अब, हो गया 10,800, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया चार्ज। अब इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद सेकेंड ईयर में हमको जो इंस्टॉलमेंट पे करना था, क्या हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर पाए, नहीं कर पाए। इस डेट में वो दो ट्रक का ये आदमी वैल्यूएशन निकालेगा, जिस वैल्यू जो इंस्टॉलमेंट निकालेगा, मतलब जो वैल्यूएशन ये निकालेगा ये टू ट्रक अकाउंट में हो जाएगा, टू ट्रक रिपोजेस्ड, दो ट्रक रिपोजेस्ड होगा। ये हम लोग कहां से निकाल रहे हैं, नोट नंबर टू, रिपोजेस होगा, मतलब एक तौर पे बोलो तो वो ले गया, इस दाम में ले गया, है ना, ट्रक जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग को नोट नंबर टू करना होगा, कैलकुलेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ ट्रक रिपोजेस्ड। जो ट्रक रिपोजेस्ड हो रहा है उसका वैल्यू हमें निकालना होगा दो के हिसाब से, एज पर बायर और एज पर वेंडर। यहां पे रेट कितना है, डेप्रिसिएशन रेट इसका है 20% के हिसाब से, इसका है 2 trucks, एक ट्रक का कीमत कितना था 75,000, दो ट्रक का कीमत कितना हो गया, तो 1.5 लाख इसने खरीदा और 1.5 लाख का ट्रक इसने बेचा, लेस डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल डेप्रिसिएशन होगा, ये 20% करेगा तो 30,000 का डेप्रिसिएशन लिखेगा, ये 30% डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो 45,000 का डेप्रिसिएशन लिखेगा। तो प्रथम वर्ष के अंतिम में ये बोलेगा मेरे पास 1,20,000 का वैल्यू है, ये बोलेगा हाँ हाँ हमें पता है तुम्हारे पास 1,05,000 का मशीन है, मतलब ट्रक है मेरे अकॉर्डिंगली। फिर से लेस डेप्रिसिएशन होगा कौन से साल का, फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, तो 1,00,000 डिमिनिजिंग है 20,000 होगा तो 24,000, ये बोलेगा कि डिमिनिजिंग बैलेंस मेरा भी है, बैलेंस के ऊपर 30% करेंगे तो 31,500। अब जो है दो साल एंड हो गया, दो साल एंड होने के बाद एस पर बायर बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि भैया जी भैया मेरे अकॉर्डिंगली ये ट्रक का वैल्यू मेरा हो रहा है 96,000, वो बोल रहा है नहीं नहीं हम इसको 96 में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और कम में, बोलो कितना हुआ, बोलो 73,500 में मेरे अकॉर्डिंगली इस ट्रक का वैल्यू हो रहा है, बोल रहा है कि हम 73,500 में एक्सेप्ट करेंगे, बोलो तब हम एडजस्ट करेंगे अदर मशीन का वैल्यू इसमें, वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है 73,500, एक तरह से बोलो ना ये खरीदना चाह रहा है वापस, बोला हमको 73,500 में बाकी का मशीन ले रहे हैं और बाकी इसी में एडजस्ट हो जाएगा, जो एक ट्रक जो बचेगा वो बैलेंस रह जाएगा, तो जो बैलेंस रहेगा वो ज्यादा पे करना पड़ेगा ना बायर को, अगर कम वैल्यू लेस हो रहा है तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, ज्यादा वैल्यू अगर एडजस्ट होगा तो उसको बायर को कम वैल्यू पे करना पड़ेगा। तो वो वेंडर बोल रहा है कि नहीं हम इस ट्रक का वैल्यू 73,500 देंगे आपको, बायर चिल्ला रहा है कि नहीं नहीं प्लीज आप हमको 96,000 दीजिए। तो बात समझ में आ रहा है, तो कंसेप्ट वेंडर बोल रहा है कि नहीं हम आपका गुड्स को आपके ट्रक को 73,500 में एक्सेप्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया इतना सारा स्क्रैचेस वगैरह लग गया, हमको बहुत सारा डेंटिंग फेंडिंग रिपेयर वगैरह कराना रहेगा, तो इसका वेंडर बायर का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन रिपोजिशन
96,000 से माइनस 73,500 करो, बोलो 22,500 लॉस ऑन रिपोजिशन हो रहा है। तो इसका मतलब दो ट्रक का वैल्यूएशन इस कितने में एक्सेप्ट हुआ, 73,500 में। तो ये यहां पे होगा एक तरह तौर पे बोलो ये बेच रहा है ना 73,500 में, देखो बेच रहा है एक तरह से 73,500 में, लेकिन क्या बोल के लिखेगा बाय हावड़ा मोटर्स लिमिटेड रिपोजेस। एडजस्ट हो रहा है, हम तो बोल रहे हैं कि ये अमाउंट उसके साथ एडजस्ट हो रहा है, मोटर लिमिटेड को वो नहीं दे पा रहा है पैसा, तो क्या करेगा मोटर लिमिटेड रिपोजेस्ट कर लिया, चला गया, ट्रक आया तो डेबिट हुआ, ट्रक जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो इससे क्या होगा, मेरा लाइबिलिटी कम हो गया ना इतना का, इतना लाइबिलिटी कम हुआ तो बाकी का लाइबिलिटी रह गया, तो बाकी का लाइबिलिटी टू बैलेंस सीडी, तो लाइबिलिटी बढ़ गया ना इसका, अगर ये जितना बड़ा होगा उसका लाइबिलिटी उतना कम होगा, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी था, इससे इतना लाइबिलिटी अब कम हो गया, उसको पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हावड़ा लिमिटेड इसको ज्यादा प्राइस में अगर लेता तो इसका लाइबिलिटी कम होता, और तो ये तो चाहेगा वो ज्यादा वैल्यू में एक्सेप्ट करे, बोलो। तो 57,300 बैलेंस बच गया जो ट्रक का है। अब आगे क्या मामला होगा, कौन कितना पेमेंट करेगा नहीं करेगा, वो उसका मामला है। यहां तक सम्स ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहां पे आप देखो ना, दो ट्रक का वैल्यू उसने एक्सेप्ट किया 73,500, दो ट्रक का वैल्यू 73,500 रुपया। ये बोल रहा है कि मेरा भैया लॉस हो गया, कितना का लॉस हुआ, ये बोला 96,000 मेरे हिसाब से वैल्यूएशन है, तो मेरे हिसाब से तो 22,500 का लॉस है, तो ये लॉस को तो बियर करना पड़ेगा ना, तो लॉस होगा तो यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन रिपोजिशन कितना का लॉस हुआ। अब बाकी का मशीन का बैलेंस रह गया बाई बैलेंस सीडी, ट्रक का वैल्यू कितना रह गया बोलो। ये था एक धासु सम्स, ये बेहतर सम्स था। इस तरह का सम्स आता है, जैसे कि 2022 कैलकाटा यूनिवर्सिटी का 2022 का क्वेश्चन देखोगे एकदम हूबहू इसी जैसा है। कितना 48,000 का वैल्यू रह गया। ये था हमारा सम्स, फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। सिलीगुड़ी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, एक सम्स हम लोग इस तरह का और करते हैं जो इससे थोड़ा सा ग्रेड में हाई होगा। ये है, पहले इसको कॉपी करो आप लोग फटाफट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जल्दी जल्दी कॉपी करो आप लोग फटाफट। चलिए ये हमारा हो गया वर्किंग नोट। ठीक है, अब एक और सम्स ले लेते हैं हम लोग। चलिए अब इसी सम्स के साथ ही, बस इससे थोड़ा सा हम लोग एक प्लस सम्स हम लोग करने जा रहे हैं, और वो प्लस सम्स के लिए भी तो हमारे स्टडी मटेरियल में हमने कितना नंबर क्वेश्चन बोला, 29। देखिए 29 में क्या लिखा है, ये देखिए कि रोमन ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेस 5 ट्रक ऑटो रोमोज ऑटो लिमिटेड, मतलब फ्रॉम रोमोज ऑटो लिमिटेड, ठीक है। रोमन ट्रांसपोर्ट ने रोमोज ऑटो लिमिटेड से खरीदा 5 ट्रक, कितने ट्रक खरीदे हैं, 5 ट्रक खरीदे हैं ऑन 1 जनवरी 1990, ऑन 1 जनवरी 1990 ऑन हायर परचेस सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ इस ट्रक
वॉज 1,20,000, एक ट्रक का कीमत 1,20,000, तो 5 ट्रक का कीमत ये कैश प्राइस है, 12,50,000, 6,00,000 रुपया, 12,50,000, 6,00,000 रुपया। द मोड ऑफ पेमेंट वॉज एज फॉलोज, पेमेंट कुछ ऐसा होगा, कैश प्राइस का 15% डाउन और कैश प्राइस का 25% एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के एंड में हर साल देना पड़ेगा, 4 अलग इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस का 15% और कैश प्राइस का ही 25%, सब कुछ कैश प्राइस पे, कैश प्राइस का 15% डाउन पेमेंट और कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट 25% करके 4 इंस्टॉलमेंट हो गया, तो 100% हो गया, तो 25% और 100% कितना हो गया, 125%। तो कैश प्राइस का 125% टोटल हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश प्राइस जितना भी है उसका 125% पेमेंट कर रहे हैं, जो डिफरेंस है वो क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रोमन ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट 15% डिप्रिसिएशन एनुअली, द पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 1991 कुड नॉट बी मेड, मतलब जो नेक्स्ट ईयर का, एक साल का वो पेमेंट किया लेकिन दूसरे साल में वो पेमेंट नहीं कर पाया। रोमन ऑटो लिमिटेड एग्रीड टू लीव 3 ट्रक छोड़ देगा विद द बायर ऑन द कंडीशन दैट द वैल्यू ऑफ द अदर 2 ट्रक वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, द ट्रक बीइंग वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 25% डिप्रिसिएशन। जो वेंडर है वो 25% डिप्रिसिएशन करना चाह रहा है जबकि हम डिप्रिसिएशन करते हैं 15%, एकदम सेम सम्स है, लेकिन ये बस थोड़ा सा है और इंटरेस्ट रेट भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास नहीं है, तो हम लोग यहां क्या करेंगे कि कैश प्राइस जो है ना, कैश प्राइस का 15% हम लोग दे रहे हैं, तो टोटल पेमेंट हम लोग जो कर रहे हैं कैश प्राइस का, टोटल पेमेंट कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं, 15% ऑफ कैश प्राइस प्लस 25% प्लस 25% कैश प्राइस, फिर कैश प्राइस का 25%, फिर कैश प्राइस का 25% ऑफ कैश प्राइस, लास्ट में टोटल पेमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 15% ऑफ कैश प्राइस डाउन, फिर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 25% ऑफ कैश प्राइस, फिर से कैश प्राइस का 25%, तो कैश प्राइस का 25% 4 बार, कैश प्राइस का 25% 4 बार है, 1, 2, 3, 4, और कैश प्राइस का 15% क्या हो रहा है, डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट भी कैश प्राइस के ऊपर है और बाकी का इंस्टॉलमेंट भी कैश प्राइस का 25% हो रहा है ऑफ कैश प्राइस, तो टोटल पेमेंट कितना रुपया हो रहा है, 115% ऑफ कैश प्राइस, कैश प्राइस कितना है, 1,20,000। अच्छा सुनो ना, यहां लिख देते हैं कैश प्राइस कितना, एक मशीन का 1,20,000 है तो 5 का कितना हो गया, 6 लाख हो गया, तो 115% ऑफ 1,20,000 बोलो कितना होता है, 15×6=90, 6,90,000 क्या, देखो एक बार चेक कर लो, ठीक है 15% हमने निकाल लिया, 15×6=90,000 रुपया और 100% तो हो गया 6,00,000 रुपया, तो देयरफॉर इंटरेस्ट कितना हो रहा है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग 4 ईयर्स, 4 साल में जो इंटरेस्ट देना है हम लोगों को वो कितना दे रहे हैं, 6,90,000 माइनस 6 लाख, तो 90,000 रुपया हम लोग 4 साल में इंटरेस्ट देंगे, सॉरी 6 लाख का 115% है ना, हमने यहाँ 1,20,000 × 5 पकड़ा, इसलिए हमने 1,20,000 × 5 इधर 6 लाख कर लिया, 6 लाख का 115%, तो ये टोटल हम लोग पेमेंट कर रहे हैं लेकिन कैश प्राइस है 6 लाख, तो डिफरेंस 90,000 रुपया का, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बटेगा, तो जो कैश प्राइस है उसको हटा देना 90,000, तो बाकी का 60,000 रुपया जो है वो हमारा इंस्टॉलमेंट है, बाकी का 100% इंस्टॉलमेंट ना है, अरे 6 लाख इंस्टॉलमेंट जो है जो हम लोग दे रहे हैं, तो 6,00,000 रुपया जो अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट एलोकेट होगा, एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट नहीं है ना, तो एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम लोग एलोकेट करेंगे, ईयर 1, 2, 3, 4, 4 साल ही में खत्म हो रहा है, अमाउंट देखो भाई
690,000 टोटल पेमेंट कर रहा है, 90,000 रुपया क्या है डाउन पेमेंट है, तो अमाउंट कितना बच रहा है 6,00,000, 6,00,000 का कर्ज है ना मेरे ऊपर, तो 6,00,000 में हम 25% मतलब कितना देंगे, 6,00,000 का 25% 1.5 लाख पहला देंगे बचेगा कितना 4.5 लाख, फिर 1.5 लाख दे देंगे बचेगा कितना 3 लाख, फिर 1.5 लाख दे देंगे बचेगा कितना, फिर 1.5 लाख से 1.5 लाख दे देंगे 0, तो रेशियो हम लोग निकाल लेंगे या प्रोपोर्शन बोल सकते हो, 15 × 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, टोटल करोगे 4 × 3 = 7 × 3 = 10, तो इंटरेस्ट पर ईयर, तो इस रेशियो में बांट दो टोटल इंटरेस्ट को, जैसे 90,000 है ना, 90,000 इंटू 4/10, 3/10 इस तरीके से बांटो, 9 × 6 = 36,000, 9 × 3 = 27,000, 18,000, 9,000, क्लियर। तो ये है हमारा, ये कुल मिलाकर 90,000 बन जाएगा, क्लियर है। फिर नेक्स्ट नोट हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट लॉस ऑन रिपोजिशन का, लॉस ऑन रिपोजिशन का लॉस रहेगा, रिपोजिशन का जो लॉस निकालना है, तो दोनों का रेट तो अलग अलग है, कितना ट्रक रिपोजिस्ड हो रहा है, 5 ट्रक में से कितना रिपोजिस्ड हो रहा है, 3 ट्रक रिपोजिस्ड हो रहा है, कितना ट्रक रिपोजिस्ड हो रहा है, रोमन ट्रांसपोर्ट इतना परसेंट डिप्रिसिएशन, द पेमेंट ड्यू ऑन 31 December 1991 कुड नॉट बी मेड, रोमन ऑटो लिमिटेड एग्री टू लीव द 3 ट्रक विद द बायर ऑन द कंडीशन दैट द वैल्यू ऑफ द अदर 2 ट्रक वुड बी एडजस्टेड, 3 ट्रक वो रिपोजेस्ट कर रहा है, देखो ना, रोमन ऑटो लिमिटेड एग्री टू लीव 3 ट्रक, 3 ट्रक छोड़ देगा विद द बायर, 2 ट्रक वो ये कर रहा है, ठीक है, 2 ट्रक वो करेगा, तो 2 ट्रक रिपोजेस्ट करेगा, तो कैलकुलेशन फॉर, ये नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 2 कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑन रिपोजेशन, रिपोजेशन के ऊपर हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले एज पर बायर, और दूसरा एज पर वेंडर, डिप्रिसिएशन रेट कितना है, ये बोला हम 15% करेंगे डिमिनिजिंग ना, और ये बोला है 25% करेंगे, डिमिनिजिंग बैलेंस है, WDB मेथड है ना डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन एनुअली बोला है, और वो बोला है वैल्यू डेट कॉस्ट लेस 25% डेप्रिसिएशन, कहाँ पे रोमन ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट ऑफ, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% डेप्रिसिएशन एनुअली, हर साल 15% डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करता है, और उसी जगह पे जो दूसरा वाला कंपनी है उसको 15% पे राइट ऑफ कर रहा है, तो 15% डिमिनिशिंग नहीं, हम लोग स्ट्रेट टाइम पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग निकाल के बताइए, कॉस्ट ऑफ कितना ट्रक चाहिए, 2 ट्रक, 2 ट्रक का कॉस्ट बताइए, 2 ट्रक का कॉस्ट, 1 ट्रक का कितना कीमत है, 1,20,000, 2 ट्रक का 1,20,000 है, ओ 1 ट्रक का 1,20,000 है, बोलो कितना है कॉस्ट ऑफ 2 ट्रक्स, 2,40,000, तो दोनों के लिए 2,40,000 ही रहेगा, सुनो, लेस डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 15%, बोलो
36,000 और इसका 60,000। बोलो कितना बचेगा? 2,04,000 और दूसरे का 1,04,000। यहां पे रोमन कहीं कुछ बोला नहीं है ना डेप्रिसिएशन का मेथड के बारे में। रोमन राइट ऑफ 15% डेप्रिसिएशन एनुअली। पंद्रह परसेंट डेप्रिसिएशन एनुअली सिर्फ बोला है। और द कॉस्ट ऑफ वैल्यूलेस कॉस्ट, सुनो अगर मेथड ना होना तो आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पकड़ लेना। आप नोट लिख दो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, नोट कर लेना। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आप पकड़ लेना, ठीक है। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, तो 2,04,000 का 15% बोलो कितना आया। और दूसरा 45,000। तो भैया जी वैल्यू कितना आया दूसरे साल के बाद? ये 173। और इसके हिसाब से कितना आया? तो लॉस ऑन रिपोजिशन कितना होगा? 38,000। इतना कैलकुलेटर का यूज 173,400 से आप 1,35,000 माइनस कर दो, 38,000। तो ये आपका लॉस ऑन रिपोजिशन आया। अकाउंट्स आप लोग खुद बना लेना इसका, क्योंकि एकदम सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लीजिए। एक लास्ट सम्स बस हम डिस्कस करके आप लोगों को छोड़ देंगे, इसके बाद बस एक लास्ट सम डिस्कस करके छुट्टी दे देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट कॉपी कीजिए। चलिए अब इस टॉपिक के ऊपर जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक के ऊपर सबसे लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस वो किसके बेसिस के ऊपर है कि सेलर जो हमारा गुड्स रिपोजेस कर रहा है, सेलर जो बोल रहा है कि ठीक है मेरा गुड्स हमें वापस कर दो, तो उस वक्त गुड्स वापस करने का क्या होगा कि वो तो गुड्स वापस लेगा, उसका करेगा क्या? वो उस गुड्स को या उस ट्रक को या उस एसेट को बेचेगा। तो बेचने के लिए वो क्या करेगा कि उसके ऊपर वो खर्च करेगा, खर्च करके रिकंडीशनिंग करेगा, रिकंडीशनिंग करके उसको वो बेचेगा। बेचने पे उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, इसी के ऊपर ये सम्स है, ठीक है। तो हम लोग सम्स ले लेते हैं। वो ये था रोमन, ये क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग लास्ट इस टॉपिक के ऊपर बच गया है, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। उसके बाद ये हायर परचेस का एक क्वेश्चन, एक भाग खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये वीडियो भी खत्म होगा। उसके बाद हायर परचेस का ट्रेडिंग मेथड हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 23। कुछ नहीं है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी आपके सामने बनाऊंगा तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। ये एम चंद्र परचेस करता है एक मशीन वाला सम से, दो वाला है नहीं, कि फ्रॉम के एन कंपनी, किससे खरीदता है? के एन कंपनी से, ऑन द हायर परचेस सिस्टम ऑन 1/1/2011। तो कौन खरीद रहा है? एम चंद्र। किससे खरीद रहा है? के एन कंपनी से, हायर परचेस सिस्टम में 1/1/1991 को। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 1,00,000 रुपया, 20,000 वॉज पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, कैश प्राइस 1,00,000 का है, 20,000 रुपए डिलीवरी के टाइम में देना है, एंड द बैलेंस बाय 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000, और एनुअल इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपया का होगा, इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन ईयरली बैलेंस, जो ईयरली बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट 5% लग जाएगा। तो हमारा इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, तो हम लोग आराम से इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे।
हमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम चंद्रा फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31/12/1992, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट देगा वो, सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाएगा, तो के एन कंपनी टुक पोजेशन ऑफ द गुड्स, गुड्स का पोजेशन ले लेगा, वैल्यूड द सेम इन हिज बुक आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वो अपने बुक में इस गुड्स का वैल्यूएशन 10% पे करेगा, ठीक है, कौन करेगा, के लिमिटेड। ऑन 1/1/1993 के लिमिटेड इनकर्ड 1000 फॉर रिकंडीशनिंग एंड रीसोल्ड द मशीनरी फॉर 70,000। अब जो के लिमिटेड है ना, के लिमिटेड क्या कर रहा है, इस गुड्स को 1000 रुपए का खर्च कर रहा है उसके रिकंडीशनिंग में और उसे बेच रहा है 90,000 रुपए में। ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमें करना है। एक मशीन वाला सम्स हमने जैसे किया था बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इन द बुक्स ऑफ के एन कंपनी, के एन कंपनी के बुक में, सॉरी एम चंद्र के बुक में पहले बनाते हैं, ठीक है, एम चंद्रा के बुक में, और के चंद्रा इसको रिपोजेस करके उसको रिकंडीशनिंग करके बेच रहा है, तो के चंद्रा के बुक में किस तरीके से एंट्री होगा वो हम लोग सीखेंगे, मतलब सेलर के बुक में किस तरीके से एंट्री होगा वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो इन द बुक्स ऑफ एम चंद्रा के बुक में क्या क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट बनेगा, और एक क्या बनेगा, ये बनाएगा के, क्या नाम है, के एन कंपनी का अकाउंट बनाएगा, के एन कंपनी का पर्सनल अकाउंट बनेगा। तो खरीदा कब गया, 1/1/1991 को खरीदा गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के एन कंपनी, कितना में खरीदा गया भाई, 1,00,000 रुपया का मशीनरी है, 20,000 रुपया, 1,00,000 का कैश प्राइस है, तो कैश प्राइस 1,00,000 का है, तो के एन कंपनी में 1/1/91 को क्या लिखाएगा, बाय मशीनरी अकाउंट 1,00,000 लिखा गया, 1,00,000 लिखा गया, 20,000 रुपया पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम में 20,000 पेमेंट हो गया, मतलब 1/1/91 को, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश, इसे बोलेंगे डाउन पेमेंट, तो कितना डाउन हो गया, 20,000 रुपया डाउन हो गया, तो 1,00,000 से 20 गया, बचा कितना, 80,000 रुपया, 80,000 रुपया का कर्ज है, ₹20,000 एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी एंड द बैलेंस बाय 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, और जो बैलेंस बच गया 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट रहेगा ऑफ 20,000, बोल दिया इंस्टॉलमेंट 20,000 का है, इंटरेस्ट 5% चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट 5% के हिसाब से चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग मशीन को मेंटेन करते हैं, मशीनरी को हम लोग 31/12/91 को डेप्रिसिएशन लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे रेट देख सकते हैं कि के लिमिटेड 10% का वैल्यू लगा रहा है और बाकी एम चंद्रा क्या वैल्यू पे लगा रहा है डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको भी 10% ही मान लेंगे, तो 10% करोगे तो कितना आएगा, 10,000 बाय बैलेंस सीडी, तो 1,00,000 से 90,000 गया, कितना बचा, 90,000। अब हम लोग चलते हैं अगले साल, ये आ गया 1/1/1992 आ गया, टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है, 90,000, मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 90,000 है, तो फिर से 31/12/91 को बाय डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा, कितना डेप्रिसिएशन, 18,000, तो जो बैलेंस बच रहा है उस बैलेंस पे रिपोजेस्ड हो रहा है, तो रिपोजेस्ड इसके बुक में कुछ खास एंट्री नहीं होगा, सेम एंट्री होगा,
जो नया एंट्री होगा किसके बुक में, इन द बुक ऑफ सेलर, जो सेलर है, यहाँ सेलर कौन है, के लिमिटेड का बुक जब हम लोग करेंगे, यहाँ हम लोग करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ के एन कंपनी अकाउंट, के एन कंपनी के अकाउंट के अंदर में हम लोग करेंगे, तो इसके इसमें कौन सा अकाउंट खोलेगा, एम चंद्रा अकाउंट खोलेगा, एम चंद्रा अकाउंट खोलेगा, समझ गया ना, एम चंद्रा अकाउंट के एन कंपनी अकाउंट का जस्ट ऑपोजिट बनेगा। तो पहले हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसका जो है ना डाउन पेमेंट हो गया, अब 31/12/91 को हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट, तो 1,20,000 गया, बचा कितना 80,000, रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट 5%, ठीक है, तो आप 80,000 के ऊपर 5% करोगे, 80,000 के ऊपर 5%, 8×40 4,000 होगा, और इस साल का इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे, करोगे ना आप, तो क्या लिखोगे, टू कैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हर एक इंस्टॉलमेंट 20,000 का है ना, बोला है ना हर एक इंस्टॉलमेंट 20,000 का है, तो बैलेंस कितना रह गया, टू बैलेंस सीडी, तो बैलेंस कितना रह गया जरा बोले, अच्छा अच्छा यहां पे बोला है 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000, इंटरेस्ट 5% भी देना है ऑन ईयरली बैलेंस, तो इसका मतलब 20,000 के साथ साथ आप इसमें ये कर दें, इंटरेस्ट भी तो देना है, तो 20,000 तो है जो इंस्टॉलमेंट देना है, साथ में इंटरेस्ट हो रहा है 4,000, 24,000 आपने दे दिया, ठीक है, ये 4,000 दिया, 20,000 दिया, तो 60,000 ही रह गया, हम लोग चलते हैं अगले साल, सीडी को बीडी करेंगे, के लिमिटेड में बाय बैलेंस बीडी, डेट क्या रहेगा हमारा 1/1/92 बाय बैलेंस बीडी, हो गया, अब इस साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 31/12/92 को बाय इंटरेस्ट, 60,000 है हमारे पास, 60,000 का कितना परसेंट होगा, इंटरेस्ट रेट 5% है, 6×30 3,000 रुपए होगा, तो 63,000 बैलेंस बचा था है ना के लिमिटेड का, अब तो हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग तो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, गुड्स रिपोजेस्ड हो जाएगा, क्या करेगा, गुड्स रिपोजेस्ड होगा, तो यहां पे क्या लिखाएगा 31/12/92 इस डेट में हम लोग फेल कर जा रहे हैं, तो क्या होगा, टू मशीनरी अकाउंट, तो यहां लिखेंगे रिपोजेस्ड, तो रिपोजेस्ड इसी बैलेंस पे होगा, मतलब के एन कंपनी हमसे पा रहा था 63,000, मतलब हमें उसको देना था तो अब नहीं दे पाएंगे, तो 63,000 रुपया से ये बंद हो गया, हम लोगों ने ऑलरेडी किया है ऐसा अकाउंट, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय के एन कंपनी 63,000, ठीक है, तो बाकी का क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस ऑन रिपोजिशन, मेरे लिए तो लॉस ऑन रिपोजिशन होगा, हमने सम्स किया, बिल्कुल किया, कोई फर्क नहीं है, यहां तक तो सेम है, लेकिन हम लोग इसमें नया चीज जो सीख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वो एम चंद्रा का अकाउंट बनाएगा, एम चंद्रा का अकाउंट, तो ये अकाउंट और वो अकाउंट दोनों सेम होता है, सेम, बस पलट जाएगा, इसके डेबिट में जो है इसके क्रेडिट में होगा, और जो इसके क्रेडिट में है यहाँ डेबिट में आएगा, तो यहाँ लॉस आप निकाल लो, कितना आ गया 90,000 से, आप सबसे पहले 20 माइनस करो 70, 70 से फिर 61 माइनस करोगे, तो 9,000 का लॉस, एक बार आप चेक कर लेना कि लॉस कितना आ रहा है, ठीक है,
अच्छा, मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन तो 10% है ना, तो 90,000 का 10% कितना होगा? यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 90,000 का 10% 9,000, 10% मैंने 20% निकाल दिया, तो 10% हो गया 90,000, तो ये हो गया 9,000, 81,000, 81 से 63 गया 18,000 रुपया, चेक कर लेना 18,000 रुपया लॉस ऑन रिपोजिशन आ गया, क्लियर है। अब हम लोग करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ एम चंद्रा। एम चंद्रा ने गुड्स को बेचा है, खरीदा नहीं है, तो इसने जो सॉरी इन द बुक्स ऑफ के एन कंपनी, के एन कंपनी के बुक में क्या होगा, सेलर है, सेलर है, तो उसने एम चंद्रा को बेचा होगा, तो उसके लिए ये गुड्स है, तो वो गुड्स का एंट्री करेगा, ये परचेज और सेल का एंट्री करेगा, तो हमें परचेज एंड सेल का एंट्री पास करना पड़ेगा, है ना। तो ये करता है सेल एम चंद्रा को, मतलब के एन कंपनी ने एम चंद्रा को सेल किया, आप क्या एंट्री करोगे, सेल्स का क्या एंट्री करोगे, इसका तो काम ही है मशीनरी को खरीदना और बेचना, तो मशीनरी इसके लिए क्या होगा, इस आदमी के लिए मशीनरी क्या होगा, गुड्स होगा, और गुड्स बेचेगा वो, तो गुड्स अगर बेचेगा तो गुड्स दो तरीके से बेचा जा सकता है, एक नॉर्मल तरीके से और एक हायर परचेस पे, तो ये हायर परचेस सेल लिखेगा, क्या लिखेगा, हायर परचेस सेल, तो एंट्री होगा के लिमिटेड के बुक में, मतलब सेलर के नजरिया से सोचो तो एंट्री होगा एम चंद्रा अकाउंट डेबिट, एम चंद्रा अकाउंट डेबिट टू हायर परचेस सेल्स, टू हायर परचेस सेल्स, कितना का हायर परचेस सेल्स होगा, देखो भाई 1,00,000 है, इसने कितना में बेचा, 1,00,000 में बेचा, ठीक है, 1,00,000 के बाद इसको डाउन पेमेंट मिला होगा, तो इसके बुक में क्या एंट्री होगा, कैश इसके पास आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एम चंद्रा, तो बाय कैश इसको मिला है डाउन, डाउन पेमेंट के तौर पे 20,000 मिला। अब बाकी के पैसों के ऊपर के एन कंपनी एम चंद्रा के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम होगा, और एम चंद्रा को वो डेबिट करेगा, एम चंद्रा से लेना है ना लास्ट डेट में 31/12/91 टू इंटरेस्ट, इसके लिए इनकम हुआ, तो इंटरेस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, बस 4,000 आप यहां लेंगे। अब हम लोग पेमेंट जब करेंगे तो उसके पास पैसा जाएगा 31/12/91 को, तो बाय कैश जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसके पास जाएगा, तो पैसा आया ना भाई इसके पास, तो कितना आएगा 24,000 रुपया इसके पास आएगा, जस्ट ऑपोजिट है ना, अब इसके पास बैलेंस रह जाएगा, मतलब एम चंद्रा से के लिमिटेड पा रहा है, कितना पा रहा है वो 60,000 रुपया, सीडी को हम लोग बीडी करेंगे 1192 बैलेंस बीडी 60,000 आ गया। अब ये जो 60,000 रुपया आ गया है, इस साल का फिर से इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा लास्ट डेट में 31/12/92 को टू इंटरेस्ट, इस दफा उसने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है देखो 3,000 रुपया। अब उसने क्या किया, गुड्स रिपोजिस्ट कर लिया, क्या कर लिया, गुड्स रिपोजिस्ट किया, 31/12 को उसको नहीं मिला तो उसने गुड्स रिपोजिस्ट किया, जब गुड्स वापस ले लेगा ना तो एक अकाउंट खोलेगा जिसका नाम होगा गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, तो उसके पास चला जाएगा तो लिखेगा बाय गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, तो कितना में वैल्यूएशन में हुआ है 63,000 के वैल्यूएशन में इसने गुड्स रिपोजिस्ट कर लिया रिपोजिस्ट, या खत्म नहीं हुआ। अब क्या बताया गया है सम्स में यह बताया गया है कि के लिमिटेड टू पोजिशन ऑफ मशीनरी एंड वैल्यूड द सेम इन हिज बुक आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10%, वो भी 10% में ही डेप्रिसिएशन कर रहा है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 1/1/1993 के एन कंपनी इनकर्ड 1,000, 1/1/1993 को के एन कंपनी ने 1,000 रुपया खर्चा किया रिकंडीशनिंग में, उसने किया, तो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, वो गुड्स जो रिपोजेस किया हुआ है, जब्त किया हुआ है माल है, उसके ऊपर वो 1,000 रुपया खर्चा करके 90,000 में बेच रहा है, 1,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो एक गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट खुलेगा,
गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट खोलेगा तो 31/12/92 को 2 एम चंद्रा में कितना हो गया 63,000 गुड्स रिपोजेस्ड हो गया। रिपोजेशन के बाद वो इसके ऊपर कितना खर्चा कर रहा है 1,000। हम लोग डेट चेंज नहीं कर रहे, 1,193 को उसने खर्चा किया 2 कैश। गुड्स के ऊपर खर्चा हो रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स के ऊपर खर्चा होगा, गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, जो रिपोजेस्ड गुड्स है उसका प्राइस बढ़ेगा। तो 1,000 रुपया का एक्सपेंस हो गया इसके ऊपर। कैसा एक्सपेंस? एक्सपेंस फॉर रिपेयर, रिपेयर का खर्चा 1,000। अब इसका वैल्यू हो गया 64। 64 की चीज को इसने कितना में बेचा? 1,193 को उसने बेच दिया। क्या बोल के लिखेगा? बाय कैश सोल्ड। कितना में बेचा इसने? इसने बेचा है, देखो 90,000 रुपया में इसने बेच दिया। तो 90,000 रुपया में इसने बेच दिया, तो 90,000 में बेचा और जबकि 64,000 का चीज था, तो क्या हो गया इसके लिए? प्रॉफिट या लॉस होगा? प्रॉफिट। तो रिपोजिशन पे इसका प्रॉफिट हो गया। तो 90,000 से अगर 64 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 26,000। 90, ठीक है। तो ये था हमारा गुड्स रिपोजिशन का अकाउंट जो कि सेलर के बुक में ही बनता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सम्स आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपका समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हायर परचेस का जो अगला भाग है, जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट टू है, वो जो है ना वो एचपी ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाएंगे, हायर परचेस ट्रेडिंग मेथड से हम लोग बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।